मैं यूपी के मथुरा ज़िले के ओवा गांव से बोल रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि रामघाट ओवा के पास से जो बलराम का यहां मंदिर है वहां से यमुना बहती है, तो आप यमुना के और आपको ले चलता हूं, दिखाता हूं कि यमुना के जो पानी में जो सुधार आया हुआ है वो कितना आया है। आप देख रहे होंगे कि यमुना का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है। जो यमुना का पानी है लॉकडाउन से पहले बहुत ही काला दिखाई दे रहा था, अब आप देखेंगे कि यमुना का पानी लॉकडाउन के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। मैं आपको पानी दिखाऊंगा, मैं आपको यमुना के पानी में हाथ दे के दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। पहले जो था पानी बहुत ही काला एवं गंदा दिखाई दे रहा था। जो दिल्ली की ओर से आने वाला पानी है उसमें कंपनियों का गंदा पानी एवं औद्योगिक अवशिष्ट आ रहे थे जिससे पानी काला हो रहा था, अभी बहुत स्वच्छ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के कारण पानी में बहुत ही सुधार आया हुआ है जिससे कि यमुना का जो पानी में बहुत ही अच्छी गुणवत्ता एवं स्वच्छता दिखाई दे रही है। मैं ओवा गांव से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अमर सिंह है। आप देख रहे होंगे कि आप ये देख रहे होंगे सामने कि यमुना का जो जल स्तर है बढ़ा हुआ है, और मैं सभी यमुना मित्र एवं देशवासियों से यही अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें और घर रहें, और कोरोना को भगाने की सभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कोरोना जो हमारे देश में फैला हुआ है उसके लिए सभी एकजुट होकर के घरों में रहें और डेली हाथ साफ करते रहें। जय यमुना मैया, जय भारत।